की बहस का विषय है 2019 में नाम बोलेगा या काम बोलेगा। देश में इन दिनों नाम बदलने की सियासत चल रही है। पिछले हफ्ते ही यूपी के मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया और अब राजस्थान की वसुंधरा सरकार ने 8 गांवों के नाम बदल दिए। दलील दी गई कि इनमें से कई गांव ऐसे थे जिनके नाम की वजह से हिंदू परिवारों में शादी के रिश्ते नहीं बन पाते थे। यूपी के इलाहाबाद को भी प्रयागराज करने का प्रस्ताव है और इसीलिए अब सवाल यह है कि 2019 में नाम बोलेगा या काम बोलेगा। बीजेपी सरकार गेम चेंजर या नेम चेंजर? सियासी नामकरण संस्कार से जीतेंगे 2019 का चुनाव? वोट की मजबूरी, नाम का धर्म परिवर्तन जरूरी? मुस्लिम गांवों के नाम बदलने से मिलेंगे क्या हिंदू वोट? बहस शुरू करें, उससे पहले रिपोर्ट देखें। अभी रिश्तेदार वगैरह जो भी आते थे तो पहले सोचते थे ये मैं बड़ा नाम किसे के, मतलब मुसलमानों का रहना है। फिर नाम के लिए भी जब अप्लाई किया ना बदली करने के लिए, फिर यहाँ की पूरी खतौनी मांगी उन्होंने, खाते जमीन की खातेदारी बताया, तो इसमें है ही नहीं किसी का, पुराने जमाने से कोई मुसलमानों का नाम ही नहीं है सर। ग्राम पंचायत का प्रस्ताव आया, पंचायत समिति और जिला परिषद ने अनुमोदन किया, इसकी एक प्रक्रिया निर्धारित प्रक्रिया के तहत नाम बदले गए हैं, जन की मांग पर बदले गए हैं और लोग जिन जहाँ नाम बदले गए वहाँ लोग खुश हैं। विकास के एजेंडे की बात करेंगे लेकिन दरअसल यही हिंदू मुसलमान डिवाइड करना, हिंदू क्रिश्चियन डिवाइड करना, हिंदू दलित डिवाइड करना, यही उनका एजेंडा है और इसी जरिए वो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। नाम बदलने से क्या हो जाएगा, काम कीजिए ना आप। जिस काम के नाम पर आप आए थे, जिस विकास के नाम पर आए थे, वो विकास दिखाइए लोगों को। ये इस तरह की नफरत की राजनीति क्यों करना चाहते हैं? राजस्थान के मुख्यमंत्री को ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जो एक लंबे समय से कोई नाम अगर गांव का है तो उसको अगर बदलना भी है तो गांव के लोगों को विश्वास में लेके बदलना चाहिए। और आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज की चर्चा में जो मेहमान हमारे साथ शामिल हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ यहां स्टूडियो में राजकुमार भाटी जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, आमिर हैदर जैदी सीपीआई के नेता हमारे साथ इस चर्चा में शिरकत कर रहे हैं, वाहिद हसन रिजवी साहब हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, शाजिया इल्मी बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी आज की चर्चा में हमारे साथ शामिल हैं, कांग्रेस के नेता मुदित अग्रवाल भी आज की चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं और संघ विचारक संदीप महापात्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। मुदित, ये जो एक्सरसाइज हो रही है राजस्थान में नेम चेंजिंग की, 8 गांवों के नाम वहां पर बदल दिए गए हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, इसको आप एक बड़े परिपेक्ष में देखें तो ठीक रहेगा। देखिए, हमारे यहाँ एक कांग्रेस की पॉलिसी होती थी, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, उसका नाम मोदी जी ने बदल के मेक इन इंडिया कर दिया। उसके बाद एक पॉलिसी थी नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, जिसको मोदी जी ने बदल के डिजिटल इंडिया कर दिया। उसके बाद कांग्रेस की इस पॉलिसी थी नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उसका मोदी जी ने बदल के नाम स्किल इंडिया कर दिया। इसके अलावा एक और पॉलिसी थी नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क डालने की पॉलिसी, जिसका मोदी जी ने नाम बदल के भारत नेट कर दिया। ऐसी 20 से 25 से 30 पॉलिसी थी जिसको मोदी जी ने पिछले 4 साल में से नाम बदला है। और यही देखिए, जो सरकार काम नहीं करेगी, जिसके अंडर जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था है वो कम होगी, एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस होगा कंट्री में, दलितों पे अत्याचार होगा, महिलाओं पे अत्याचार होगा, किसानों पे अत्याचार होगा, किसानों पे तो गोलियां तक चली हैं, वो सरकार नाम बदलने के अलावा और क्या करेगी? मुदित जी, आप एक बात समझ लीजिए, जी आप ये भूल रहे हैं कि नेहरू गांधी परिवार के नाम से इस देश में कितनी स्कीम, अपनी बात खत्म करने दीजिए 2 मिनट। हाँ हाँ, मैं वो सारा ब्यौरा, ये देखिए ये पूरी लिस्ट है मेरे पास जी, मैं यही कह रहा। देखिए बीच में मत टोकिए। तो 2019 आने वाला है, मोदी जी ने कुछ काम तो किया नहीं है, कोई नई पॉलिसी उनकी आई नहीं है, अब वो क्या करेंगे? इस इलेक्शन को कम्युनलाइज करेंगे। आप ये देखेंगे मीडिया का इस्तेमाल करके उन्होंने सिर्फ यही करना है और अगले 6-7-8 महीने सिर्फ ऐसे ही प्रोग्राम टीवी चैनल्स पे चलेंगे।
तो ये तो बिल्कुल पॉलिसी साफ है, जो आदमी काम नहीं करेगा तो यही तो करना पड़ेगा। ठीक है तो शाजिया से मैं जवाब ले लेती हूँ। शाजिया, काम किया, अब हमें नाम से क्या होता है, लोग काम देखते हैं। शाजिया जी तो खुद क्या बोलेंगे, शाजिया जी उसके अंदर, शाजिया देखिए, मैंने काम किया होता तो ये करने की जरूरत नहीं होती ना। सारन की जो आप अभी दिखा रही थी अभी हमको, और उस लिस्ट में साफ जाहिर है कि सिवाय एक मियाँ का बाड़ा के अलावा बाकी सारे नाम हैं, बल्कि कोई लक्ष्मणगढ़ जैसा गांव भी है उसका नाम भी बदला गया है। तो यानी कि सिर्फ इसको धर्म के चश्मे से एक गांव का नाम नहीं, मैं शाजिया नाम आपको बता देती हूँ, इस्लामपुर, लेकिन सलेमाबाद, मांडफिया, नवाबपुरा, मोहम्मदपुर, रामपुरा, आजमपुर, ये नाम है। और ये सारे नाम ऐसे हैं जो आरोप लग रहे हैं यहाँ पर कि ये सारे के सारे मुस्लिम साउंडिंग नाम है। सारी लिस्ट पढ़ी है आपने, 27 गांव की जराम ली। हाँ देखिए, ये दूसरी लिस्ट भी मेरे पास है, दूसरी लिस्ट भी मेरे पास है। इसमें जो नाम है ये देखिए, एक है महमूदगंज, डूढ़ियों की ढाणी, रडकापुरा, बिलासर, लक्ष्मणगढ़, ये नाम है। उससे पहले जो लिस्ट आई थी, ढाणी से क्या मतलब है, डूढ़ियों की ढाणी और रडकापुरा से ये तो कोई नाम है नहीं। नहीं, वही मैं बता रही हूँ, ये और है नहीं, तो धार्मिक चश्मों से हर चीज को देखते हैं। और ये भी नहीं देखते कि ग्राम पंचायत की तरफ से ये अपील की गई है। शाजिया, लॉजिक देखिए, लॉजिक क्या दिया जा रहा है, नाम बदलने का लॉजिक क्या दिया जा रहा है? लॉजिक ये दिया जा रहा है कि वहाँ पर शादी ब्याह नहीं हो पा रही है लोगों की, वहाँ पर हिंदू आबादी ज्यादा है, वहाँ पर हिंदू आबादी ज्यादा हो सकता है, वहाँ के गाँव के लोगों को हो सकता है, गाँव के लोग जानते हैं अपनी सिचुएशन बेहतर, तो ये उसी का जवाब देंगे। और ग्राम पंचायत के लोग अगर चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट है वो, तो वो उनकी बात है। लेकिन जो भाई साहब अभी हमारे बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहे थे, तो कह रहे थे बहुत सारी स्कीमों के नाम बदले गए हैं। मैं उनको बता दूं कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी के नाम पर जो स्कीमें हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीमें हैं जो 17 हैं जो उनके नाम पर हैं, स्टेट गवर्नमेंट स्कीमें हैं जो 50 हैं, स्पोर्ट्स और ट्रॉफीज और टूर्नामेंट जो है 26 हैं, स्टेडियम 17 हैं, आप समझे, और ज्योग्राफिकल लैंडमार्क 4 हैं, एयरपोर्ट है। नहीं, सुनिए, मैं आप पढ़ के सुनाऊंगी सारे। नहीं, आपको थोड़ी शर्म आएगी, आपको इतनी शर्म आएगी, आपने काम नहीं किया। सुनिए तो, आपने काम नहीं किया, सुनिए नहीं, काम तो हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए तो आपको फिक्र हो रही है। अब गांवों के नाम चेंज कर रहे हैं, पहले आपको तो फिक्र हो रही है ना भाई साहब, नहीं तो वो आपकी सोच ना, चार काम बताइए, आपकी सोच ना भाई साहब, भाई साहब आपकी सोचना, मैं तो नहीं यकीन करती, मैं तो पूरी लिस्ट पढ़ना चाह रही हूँ। नहीं, पूरी लिस्ट पढ़ने दीजिए मुझे, कह रहा था आपको बहुत शर्म आएगी, चार साल में आपको बहुत शर्म नहीं, मैं समझ गई आपकी बात को, लेकिन मैं समझना, स्कीमों में जान डाली गई है, जनधन योजना के तहत कई करोड़ खुले हैं। दो सेकंड, मैं इस डिबेट को ओपन कर दूंगी, मैं सभी पैनल्स के पास एक बार चली जाऊंगी। आपको पता उसमें बैलेंस कितना है? राजकुमार भाटी जी को चेकबुक तक नहीं देते हैं। एक मिनट, मुझे दो सेकंड मुझे दे दीजिए, आप मेरी बात रख दी, मैं बाकी पैनल्स से अपना रिएक्शन लेने पहले, दो सेकंड रुक जाइए। राजकुमार भाटी जी मुझे बताइए, ये जो परिपाटी है नाम बदलने की, ये तो बहुत दिनों से चल रही है, जो सरकार आती है अपने हिसाब से नाम बदलती है, आपने भी तो 8 जिलों के नाम बदले थे। चलिए मैं बताता हूँ, 2 सेकंड शाजिया बोले, मैं यूपीए गवर्नमेंट की 5 आपको रेवोल्यूशनरी पॉलिसीज बताता हूँ। आप पॉलिसीज आप बता चुके हैं मुदित, 2 सेकंड मैं सभी पैनलिस्ट से एक एक रिएक्शन कम से कम ले लूं। डिजिटल क्रैश ट्रांसफर, आरटीआई, ये 5 मैंने यूपीए की रेवोल्यूशनरी पॉलिसीज बताई। ठीक है मुझे अब 4 पॉलिसीज मुझे इस गवर्नमेंट की बता दीजिए। अभी पूछ लेती हूँ मैं शाजिया, 2 सेकंड वोटर के मैं और उससे एक बार मेरी आवाज क्या आप तक नहीं पहुंच पा रही है? स्कीमों की आप बात कर रहे हैं, वोटर ने तालियां, आवाज क्या मेरी आप तक नहीं पहुंच पा रही है? मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप दोनों ने अपनी बात रख दी, मैं एक बार सारे पैनलिस्ट से एक रिएक्शन ले लूं, उसके बाद मैं डिबेट को ओपन कर दूंगी। राजकुमार भाटी साहब, ये तो परिपाटी पहले से चली आ रही है, बीएसपी ने अपने हिसाब से नाम बदल दिए, जब आपकी सरकार आई 8 जिलों के नाम आपने बदले, ये भी लिस्ट मेरे पास है, भीमनगर को आपने भेजोई कर दिया, प्रबुद्ध नगर को शामली कर दिया, पंचील नगर को हापुड़ कर दिया,
ये लिस्ट भी तो बहुत लंबी है। दो बातें कहना चाहूंगा बहुत संक्षेप में। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी देश बदलने का नारा देकर, लेकिन नाम बदलने में लगी हुई है, देश बदलने का काम तो किया नहीं। इन्होंने कहा था हम युवकों को रोजगार देंगे, लेकिन आज ये कांवड़ियों के ऊपर फूल बरसा रहे हैं। इन्होंने कहा था हम लोगों को सुरक्षा देंगे, लेकिन जो मॉब लिंचिंग में लोगों को मार रहे हैं उन्हें ये माला पहना रहे हैं। इन्होंने कहा था बेटी पढ़ें, बेटियां बढ़ें, बेटियां आगे बढ़ें, बेटियों के साथ रेप हो रहे हैं, ये जो शेल्टर होम जो वैश्याल्य बन गए हैं इनके संरक्षण में। तो ये अब इन्होंने नाम बदले मोदी जी ने, ये विकलांगों कहने लगे दिव्यांग। तो क्या विकलांगों की हालत में कोई सुधार आया? क्या उन्हें कोई सुविधाएँ मिली? अगर गुड़गांव का नाम गुरुग्राम हो गया तो गुड़गांव में थोड़ा बहुत क्राइम कम हुआ क्या? इन्होंने योजना आयोग का नाम बदल के नीति आयोग बदल रख दिया तो देश को कोई फायदा हुआ? तो ये सब बेकार की कवायद है। पहली बात तो शेक्सपियर ने कहा था कि नाम में क्या रखा, अगर गुलाब का नाम हम कुछ और भी रख देंगे तो उसकी खुशबू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खुशबू की उसकी वही रहेगी। दूसरी बात मैं ये भी जोड़ना चाहूँगा, अगर किसी गाँव या कस्बे का नाम वहाँ के निवासियों को असंगत लगता है और उनकी मांग पर एक प्रक्रिया के तहत उसमें चेंजिंग की जाती है तो कोई आपत्तिजनक भी नहीं है। लेकिन ये तो क्या इन्होंने मुगल सराय का नाम बदलने से पहले मुगल सराय में कोई सर्वेक्षण कराया था? आपको कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि वहां पर लोकल स्तर पर ये उठाए जो इनका मीमांसा जी जो तर्क है, एक कुतर्क, इतना बेकार का तर्क है। मेरे पड़ोस में गाँव है इस्लामाबाद कलदा, उसमें टोटल हिंदू रहते हैं। उस गाँव में हमारी रिश्तेदारी भी है, आज तक तो कोई रिश्तेदारी होने में दिक्कत आई नहीं, ना किसी ने आज तक मांग की कि हमारा नाम चेंज कर दिया जाए। वो तो गर्व करते हैं इस्लामाबाद कलदा हमारे गांव का नाम है, और कई नाम इस तरह के हैं हमारे इलाके में हैं। तो ये एक कुतर्क है, ठीक है। केवल एक मैसेज देना चाहते हैं, केवल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए एक मैसेज देना चाहते हैं जो कि लोगों को तोड़ने के लिए, सत्ता का काम लोगों को जोड़ने का होना चाहिए। संदीप महापात्रा जी, सुना आपने ये लॉजिक क्या है? संदीप जी तक मुझे लगता है वहां पर भी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है भी, लेकिन उससे पहले आमिर हैदर जदी साहब, ये नेम चेंजिंग एक्सरसाइज को क्या धार्मिक चश्मे से देखना जरूरी है क्या? नहीं नहीं, मैं तो इसे विकास के चश्मे से देख रहा हूँ। ये किसानों का नाम बदल के कृषक रख दें तो उनकी आमदनी, फसल का उचित मूल्य उन्हें मिल जाएगा। किसान नहीं, कृषक। मजदूरों का नाम बदल के श्रमिक रख दें तो उन्हें मिनिमम वेज मिल जाएगा, जो उनकी मांग है कहना चाहिए 14,500 से 20,000 कर दी जाए। इनसे हम ये पूछना चाहते हैं, अच्छा जब होता जब ये आदर्श ग्राम इन्होंने कहाँ कहाँ बनाए उनके नाम रखते तो देश जानता कि हाँ साहब बीजेपी ने इतने आदर्श ग्राम जो गोद लिए थे वो पैरों चलने लगे, उनका हमने नाम ये रखा। अपने पुत्र का नाम रखो भाई, दूसरे के पुत्र का नाम बदलने से क्या फायदा होता है? आपका तो हो नहीं जाने का। वो स्मार्ट सिटी जो ये बनाने निकले थे उसका नाम बनाते लगते थे कि साहब हमने ये स्मार्ट सिटी बनाई है, अब हमने इसका नाम ये रखा है। वो स्मार्ट सिटी कहीं नहीं नजर नहीं आती। मसला ये होना चाहिए, आज करंट की न्यूज है, वैभव रावत आपके यहाँ आतंकवादी पकड़ा गया है सनातन संस्था का, उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए कोई कानून लेके आते तो हम समझते कि साहब सनातन संस्था आतंकवादी संगठन है। अमरीका ने भी कहा है, बजरंग दल, VHP, श्री राम सेना, इन पे कोई कानून लेके आते हम समर्थन करते। लेकिन सुन लीजिए, इन्होंने मुगल सराय का नाम बदला, दीनदयाल उपाध्याय वहां मृत अवस्था में पाए गए थे, उस पे एक आयोग बना देते कि साहब वहां का क्या करने गए थे, वो तो मीटिंग में जा रहे थे दिल्ली, ठीक है। मुगल सराय कैसे पहुंच गए, उनकी हत्या की गुत्थी सुलझाते तो उन्हें श्रद्धांजलि होती। ये लॉजिक क्या है जरा ये समझाइए। ये जो गांवों के नाम बदले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ब्याह शादी नहीं हो पा रही थी लोगों की, लेकिन यहाँ भाटी साहब कह रहे हैं ऐसा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, और अगर यही लॉजिक है कि जहां पर हिंदू आबादी ज्यादा है और वहां पर आप नाम बदल रहे हैं उनके, तो फिर जहां पर मुस्लिमों की आबादी है तो क्या उनके नाम से गांवों के नाम रखेंगे? ये देखिए मीमांसा जी, इसको हिंदू मुस्लिम इस तरह से देखना उचित नहीं होगा। भारतवर्ष में बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे शहर हैं जो कि अगर आप देखेंगे तो अभी भी लोग कह सकते हैं कि भाई मुसलमानों के द्वारा, मुसलमान शासकों के द्वारा और मुगलों के द्वारा दिया गया था। बस और ये इनका उद्देश्य। अतीत में भी बहुत सारे नाम के परिवर्तन हुए हैं, हिंदू मुसलमान से बॉम्बे अगर मुंबई हो सकता है, मद्रास अगर चेन्नई हो सकता है, कलकत्ता कोलकाता हो सकता है, तो मुझे ये समझने में परेशानी हो रही है कि अभी अगर नाम परिवर्तन हो रहा है और किसी कारण से हो रहे हैं और वहाँ के जो लोग हैं उनके कहने पर हो रहे हैं, तो इतनी बड़ी जो यहाँ पे एक डिबेट का मुद्दा बनाया जा रहा है वो गलत है। ये वही लोग ही कर सकते हैं जिनको केवल और केवल मात्र एक
विशेष परिवार के नाम से सारा देश अगर जाना जाए उससे वो खुश होंगे। ये वही लोग हैं जब औरंगजेब रोड का अगर एपीजे कलाम अब्दुल कलाम आज़ाद रोड अगर बनाया जाता है तो उसमें भी परेशानी होती है, लेकिन वही लोग हैं जो अभी भी अगर आप देखेंगे जो दिल्ली में था कॉनट सर्कस या कॉनट प्लेस, उसका इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम से किया गया, तब इनको कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। अगर किसी नाम की परिवर्तन हो रही है और वहाँ की जो जनसंख्या है और जनमानस में अगर इस तरह के विचार है कि नाम परिवर्तन होने चाहिए, तो पुराने काल में भी हुए हैं और पिछले 10-15 वर्षों में अगर आप देखेंगे, जैसे मैंने उदाहरण दिया मद्रास चेन्नई बन सकता है, मुंबई बॉम्बे मुंबई हुआ, कलकत्ता को कोलकाता बताया गया, और उसका उस तरह से नाम की परिवर्तन हुए। नाम जो होता है ना आपकी जुबान पर चढ़ जाता है, अगर किसी धर्म से जुड़ के देखा जाए, और बार बार जो सरकारें आती हैं अपने हिसाब से नाम बदल देती हैं, मतलब कि पहले आप चाहते हैं कि वोटर एक नाम याद रखे, फिर उसको भुला दे, फिर उसके बाद रीलर्निंग एक्सरसाइज करे, यही हुआ ना। आप पहले समाजवादी पार्टी ने जो बदले, अमेठी का नाम बदला, फिर उसके बाद आपने कहा कि नहीं जी अब फिर अमेठी हो गया है, हाथरस है वो बदला गया, महामाया नगर हो गया, उसके बाद फिर उसे बदल दिया गया, यानी कि जो वोटर है बस वो याद करता रहे, यही एक्सपेक्ट करते हैं आप वोटर से? नहीं, देखिए मीमांसा जी, ये पहली बार नहीं हुआ है। जैसे आपने खुद कहा है कि पुराने जमाने में भी सरकारें जब आई कुछ ना कुछ परिवर्तन करते रहे, परंतु वहाँ के जो जनमानस हैं या जो जनता है उनके मन में जो नाम है वही चलता है। संदीप जी, आज भी अगर आप फिर, अपने फिर, आप को पहली पार्टियों में आपके पार्टी में अंतर क्या हुआ, बीजेपी में और बाकी पार्टियों में अंतर क्या हुआ अगर आप वही फॉर्मूले को आगे बढ़ा रहे हैं? मेरा सवाल तो ये है, तो फिर आप भी तो वही कर रहे हैं ना जो पहली पार्टियां करती रही, आप कुछ नया नहीं कर रहे फिर? रिजवी साहब, ये संस्कार है, इससे क्या वोट आ जाते हैं? बीजेपी का पक्ष यहाँ पे नहीं रख रहा हूँ, वहाँ बीजेपी के पक्ष रखने के लिए बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, जनरली आपसे इससे जुड़ा हुआ है कि उसको हिंदू मुस्लिम के नजरिए से देखा जाएगा रखने के लिए। उससे पहले शाजिया, एक मिनट रिजवी साहब रह गए, उनसे मैं कोई रिएक्शन अभी तक नहीं ले पाई हूँ। रिजवी साहब, ये नामकरण संस्कार से क्या वोट मिल जाते हैं इतनी आसानी से? कोई वोट नहीं मिलते हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि उससे वोट मिलते हैं, लेकिन हम लोग अगर इसको व्यापक पैमाने पे देखें, पिछले 4 सालों में इस सरकार का अगर विश्लेषण आप कीजिए, तो जनरली ऐसा है कि ब्यूरोक्रेसी का वर्ल्ड वाइड एक क्रिटिसिज्म ये आता है कि काम कीजिए ना कीजिए, काम करते हुए दिखिए ज़रूर। एक खास ये बहुत रेड टेपिज्म के साथ साथ, लाल फीताशाही के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी के बारे में ये बोला जाता है। इस सरकार इस मामले में तो काफ़ी स्मार्ट रही है कि गांव का नाम तो आप हटाइए, 23 ऐसी योजनाएं जिसका जिक्र अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने किया, आप उठा के देखिए, या हर थोड़े देर पे कुछ स्लोगनेरिंग देना, हर थोड़े देर पे कोई कैची लाइन क्रिएट करा देना, ताकि और उसकी बहुत सॉलिड मार्केटिंग करना। प्राइवेट सेक्टर में एक चीज़ और होती है, परसेप्शन क्रिएट करना। आप एक बात देखिए इस सरकार की सबसे स्मार्टली, कि अगर आप एक्सेल शीट बनाइए और कहिए कि भाई साहब ऐसा ऐसा है कि जो जो आपके वादे थे उस पर आप कहाँ उतर रहे हैं खड़े, जैसा जैदी साहब ने भी बात की, कोई पब्लिक को इस तरीके से कि इंगीकृत कर करके कि आपने फला वादा किया था, आप यहाँ पे कहाँ खड़े हो रहे हैं, ये कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। लेकिन आज देश की जनता इस मामले में पूरे तौर पे इस बात को एक्सेप्ट कर चुकी है कि मोदी सरकार एकदम जागी हुई है, हर तरीके से काम करती हुई नज़र आ रही है। चूंकि ये नज़र आती बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये समझ लिया जाता है कि काम कर रही है। यही का एक छोटा सा हिस्सा है, ठीक है, पिछली सरकार ने भी ये समाजवादी पार्टी ने किया और बहुजन समाज ने किया, कांग्रेस ने किया, लेकिन ये सरकार सबको पीछा छोड़ चुकी है। मैं जवाब लूंगी शाजी अरबी से, लेकिन पॉलिटिकल गवर्नेंस का आप भी मिलाकर ये बात कह रहे हैं कि गवर्नेंस के नाम पर जब कुछ दिख, पॉलिटिकल गवर्नेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट शाजिया इल्मी आप समझ लीजिए, एक बहुत हम लोग इस बात को एक्सेप्ट करते हैं। मुझे लगा नहीं जिस शख्स जो अभी बोल रहे हैं कि वो, मुझे लगता है वो राजनीतिक विश्लेषक कम, मोदी सरकार विरोधी ज्यादा है। नहीं तो जो हकीकत है शाजिया इल्मी, आप उसका जवाब दीजिए कि क्या कुछ दिखा, मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए कि मैं नहीं चुप रहा है, मुझे बोलने दीजिए, काम करते हुए तो नजर नहीं आते हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लूंगी शाजिया, आप बोलूंगी छोटा सा, मुझे एक मिनट लेना होगा, मुझे आपकी मजबूरी है अपने आप को, आप
मुझे मुझे मजबूरी है, मुझे यहाँ ब्रेक देना होगा। बात का जवाब दीजिए कि आप एक्सेल शीट पे बना करके शाजी अलमी जल्दी से जवाब दीजिए। ये जो आरोप लगाया जा रहा है कि गवर्नेंस के नाम पर कुछ दिखाने के लिए है, नहीं नहीं, मैं जल्दी से बिल्कुल जवाब नहीं दूंगी। अगर आपको जल्दी है, नहीं नहीं नहीं, अगर आपको जल्दी है तो मुझसे नहीं, अगर आपको जल्दी है तो मुझसे आप ना पूछिए। आपको जल्दी नहीं होगी तो मैं बताना चाहूंगा। मुझे ब्रेक लेना था, मजबूरी थी। नहीं नहीं नहीं, आपने बहुत वक्त दिया, आपने बहुत वक्त दिया। अगर आप ब्रेक में चली जाइए फिर मैं बाद में आराम से दूंगी। नहीं नहीं नहीं, मैं ब्रेक से लौट चुकी हूँ शाजिया, प्लीज आई डोंट वांट टू वेस्ट मोर टाइम नाउ। नहीं नहीं नहीं, आप मैं इसीलिए आपसे शुरू कर रही हूँ, मैं इसीलिए आपसे शुरू कर रही हूँ शाजिया। मुझे आपसे सवाल पूछने तो मैंने आप में जवाब देना चाहती हूँ, लेकिन मैं आराम से दूंगी। नहीं, आप आराम से दीजिए ना, मैं दे तो रही हूँ टाइम आपको। मैं सारा सुनाना चाहती कर रही हूँ जहाँ पे छोड़े थे। सवाल जोड़ लेता हूँ, ठीक है? तो मैं बताना चाहती हूँ, तो सुनिए सुनिए फिर। खुले 18,000 गांवों में बिजली का प्रावधान, 18,000 गांव तक पेनिट्रेशन, खुले में 100 से 60 से 70% पूरी तरह से मुक्ति, जो कि इतने सालों से नहीं हुआ, जो 4 साल में हो गया। फिर आप देखिए उज्ज्वला योजना के तहत 4 करोड़ परिवारों को फायदा। सुनिए, नहीं नहीं, आप एक भाई साहब अभी बोल रहे थे ना, बात ऐसे में लगातार सुना सकती हूँ। और अगर बात है सिर्फ नाम की, तो मैं एक एक करके आपको राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल आवास योजना की बात बता दूं कि कितनी योजनाएं रही और हुआ कुछ भी नहीं। वो योजनाएं कांग्रेस ने शुरू की थी, आप शुरू नहीं कर रहे हैं, आप बदल रहे हैं। और बहुत जरूरी योजना लेकर आई है, उनके नाम रखिए अपनी मर्जी से। कनॉट प्लेस से राजीव चौक कर देना, बिल्कुल। और योजना में काम भी होगा, और योजना लोगों के हिसाब से नाम बदला जाएगा। जिन जिन गांवों का जिक्र किया है वो लोगों ने अपनी मर्जी से किया है। मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर औरंगजेब रोड बदला गया है, वो बहुत अच्छी बात है। अगर इन गांव में लोग चाह रहे हैं खुद ब खुद ऐसा होना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा सड़कें बनाना, आप सरफेस ट्रांसपोर्ट देखिए तो किलोमीटर की क्या एवरेज आ रही है। आप देखिए, पहली बार बात हो रही है हरियाणा के दो ऐसे कस्बे हैं जहां बाकायदा एडवर्स सेक्स रेशियो, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत ज्यादा लोग जो हैं बेटियों को रखना पसंद कर रहे हैं। बचाओ का अगर इनके नाम बदल दिए जाते हैं, क्या वहां पर रोजगार मिल रहा है लोगों को? क्या महिलाओं के खिलाफ अपराध थम गए हैं नाम बदलने से? क्या बदला है? बिल्कुल, क्या बदला है? बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल। महिलाओं को बहुत मैं बताता हूँ। नहीं, और वही अगर पुराने नाम अगर रखे जाते तो क्या प्रॉब्लम थी? क्या दिक्कत हो रहा है? नहीं, वही पुराने नाम अगर रहते तो क्या दिक्कत थी? आप ये देखिए, काम आप कर रहे हैं, आप काम अगर आप कर रहे हैं तो नाम बदलने की अलग अलग चीज है। मीमांसा जी, मीमांसा जी देखिए, मीमांसा जी, आप नाम की बात कर रही है और काम की बात भी कर रही है। हम लोग ओवर सिंप्लीफाई कर देते हैं कभी कभी, ये तो अलग अलग चीजें हैं। काम के बारे में पूछा, मैंने बताया। नाम के बारे में उन्होंने पूछा, मैंने बताया कि बाकायदा। देखिए, मैं काम के बारे में बताता हूँ, सुनिए शाजिया जी, जरा शांति से सुनिए। आप काम की बात कर रहे हैं, इंदिरा गांधी जी मुझे एक बात बताइए, प्रधानमंत्री आजकल इतने हताश और निराश क्यों हैं? कितनी योजनाएं थी राज्यसभा में, सिर्फ भरभर घोटाला था। वो क्या बोले? घोटाला क्यों? क्योंकि जिस तरह से पैसे दिए जाते हैं गरीबों को योजनाओं के तहत, अभी बीपीएल गांव के लिए देखिए किस तरह से उनकी मदद की गई है, जो लोग बीपीएल परिवारों से। आपने देश तो में युवाओं के लिए क्या किया? ये जो भाई साहब बोल रहे हैं, ये तो कांग्रेस के हम समझ सकते हैं। और अगर इतने बढ़िया कामकाज होते तो उनकी आज भी हालत नहीं होती। जब जवाब दे रहे थे उनको पसीना पूछना पड़ा और पानी पीना पड़ा, वो है गांधी परिवार का नाम, नहीं दे पाए। इनका एक नाम है गांधी परिवार का नाम जी। नाम की सियासत कांग्रेस ने की थी, बड़ी है 60 सालों में। सुनिए जरा मेरी बात, 22 स्टेट्स टीम्स, 28 स्पोर्ट टूर्नामेंट्स और ट्रॉफीज, 19 स्टेडियम, 5 एयरपोर्ट, 98 एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, 51 अवार्ड, 15 नेशनल सेंचुरीज, 39 अस्पताल, ये सब किसके नाम से हैं? नेहरू गांधी परिवार के नाम से हैं। तो ये मत कहिए कि नाम की सियासत आपने नहीं की, वो आपने दी नहीं। मुझे सुनिए मेरी बात, आप कैसे कह सकती हैं कि नाम की सियासत आपने नहीं की? शर्म आएगी उसको। आपने कम कर दिया, ये काम किया है आपने,
आप काम क्या किया ये बताइए ना, आपने तो आपका काम नहीं दिखाते आप किसानों की बात करते हैं एग्रीकल्चर आप सवाल नहीं सुन रहे हैं मेरा, आप जो लिख कर आए हैं अपना वो वही बोलने में लगे हुए हैं। जवाब नहीं दे पाए उनको पानी पीने पड़े मेरा सवाल भी तो सुन लीजिए ना, आप जो अपना प्रिपेयर करके लाए हैं पन्ना वही पढ़ने में लगे हुए हैं। अच्छा सुनते जाइए, मैंने जो आपसे कहा कि नाम की सियासत कांग्रेस ने नहीं की, क्या उसका तो जवाब दे दीजिए। आप भी गूगल कर लीजिए मिल जाएगा आपको। राजीव गांधी नेशनल ड्रिंकिंग वाटर योजना, राजीव गांधी नेशनल कैश स्कीम, राजीव गांधी उद्यमी मित्र योजना, इंदिरा आवास योजना, जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन, उसके अंदर आप सुनते जाइए, मतलब हैरत होता है मुझे कि इस नाम से, सुनिए सुनिए, जवाहरलाल नेहरू रोजगार योजना, राजीव गांधी श्रमिक कल्याण योजना, मुझे अभी भी लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, मुझे लॉजिक नहीं समझ में आ रहा शाजिया, इंदिरा विकास, दो सेकंड में आ रही हूँ आपके पास राजकुमार भाटी जी, मुझे ये लॉजिक नहीं मुझे समझ में आ रहा है, ये नेम चेंजिंग एक्सरसाइज आखिरकार क्यों की जाती है, क्यों की जाती है, क्या लोगों में कंफ्यूजन नहीं बढ़ता, लोगों में कंफ्यूजन नहीं बढ़ता इसको लेकर, क्या बार बार नाम बदलने में लगे हुए हैं? किसी गांव का नाम या किसी कस्बे का नाम किसी शहर का नाम बदलने के लिए इतनी ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ती है, इतने पेपर्स में उसे बदलना पड़ता है, इतना खर्चा होता है, और एक बात मैं आपको बता दूं कि नाम चेंज होने के बाद भी लोग उसे पुराने नाम से ही बुलाते रहते हैं। शाजिया प्लीज, शिक्षा मिशन, लोग उसे पुराने नाम से ही जानते रहते हैं। सुनिए जरा बात, और ये जो गांव का नाम बदले गए इन्होंने जो कहा, ये केवल कागज में बदल जाएंगे, लोगों की जुबान पे अब भी पुराने नाम ही चढ़े रहेंगे, वो उसी नाम से उसे जानते रहेंगे। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, ऐसे ऐसे गांव के नाम है, कूड़ी, भैंसा, बिटोड़ा, ऐसे ऐसे नाम किसी गांव वाले ने नहीं कहा कि हमें अपने गांव का नाम खराब लगता है, कोई बदलना नहीं चाहता नाम, ये बात सही है, नाम का कोई जो रूढ़ हो जाता है अर्थ वही हो जाता है, नाम से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये केवल बहानेबाजी है, ये अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए, अपनी असफलताओं से बचने के लिए, देश के सामने इनकी सच्चाई ना आए, असली मुद्दों पर चर्चा ना हो, चर्चा ऐसे मुद्दों पे होती है, शिगुफा छोड़ते रहते हैं, ये केवल एक शिगुफा है और कुछ नहीं है, शिगुफा से ज्यादा कुछ नहीं है, ना इससे उन गांव वालों का कोई फायदा होगा, ना इससे देश का कोई फायदा होगा। नहीं लेकिन भाटी जी, कुल मिलाकर हर पार्टी यही करती है ना कि दूसरी की जो आइकॉन है, दूसरी की आइडेंटिटी को आप खत्म कर दीजिए, इसमें अंतर यही होता है ना, आइडेंटिटी खत्म, आपकी सरकार आई तो जो बीएसपी ने जो नाम रखे थे मायावती जी ने, तो आपने वो नाम उड़ा दिए, जहाँ पर काशीराम थे आपने समाजवादी जोड़ दिया, आपने क्या अलग किया, आपने तो यही किया। मैं बताता हूँ इसमें फर्क है, हमने कोई नया नाम नहीं दिया था किसी जिले, आपने समाजवादी एम्बुलेंस सेवा दिया नाम, समाजवादी पेंशन स्कीम, तो हमने किसी और की एम्बुलेंस को दिया क्या, हमारी योजना थी नहीं, तो आपने अपनी योजना को दिया ना, हमने 55 लाख महिलाओं को पेंशन दी, ये अपनी स्कीम लेकर आए, अपनी योजना लेकर आए, दीनदयाल उपाध्याय के नाम से रखें, यहाँ पे आना चाहूंगा, गुरु गोलवलकर के नाम से रखें, लेकिन कोई योजना तो लेकर आए, कुछ देश को करके तो दिखाएं, इन्होंने कितने एम्स बनाए, साजिया जी से पूछिए कि 5 साल के शासन काल में मोदी जी ने देश में कितने एम्स बनाए, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, आप उस यूनिवर्सिटियों के नाम रखते, अपने महापुरुषों के नाम पर रखते, अपनी मर्जी से रखते, फिर हम ऐतराज करते तो हमारी गलती, लेकिन बनी बनाई संस्थाओं के चालू योजनाओं के नाम बदलना, ये केवल नाम बदला के रखा गया दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम, इंदिरा गांधी उस पे आप जैसे ये लोगों ने उसका ओपोजिशन किया था, पर यहाँ आके अपने बात को रखने के लिए, अपने बात को कायम करने के लिए यहाँ पे आप पलट रहे हैं। किस योजना का विरोध किया था, क्या कह रहे हैं आप मुदित जी, उज्ज्वला कौन सी योजना का विरोध किया था, मुद्रा योजना, कोई नई पॉलिसी बनाते, कोई नई पॉलिसी बनाते, उसका नाम जो मर्जी रखते, पुरानी पॉलिसी के नाम चेंज कर, ये मुद्रा योजना 50 साल से चल रही थी प्रधानमंत्री रोजगार योजना के नाम से, कोई आप नई योजना लेकर नहीं आए हैं, केवल लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं, और मुद्रा योजना में आप 23,000 एवरेज लोन दे रहे हैं, 23,000 में कौन से पकौड़े की इंडस्ट्री बन जाएगी, ये बताइए आप, लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए और केवल कुप्रचार के लिए, दुष्प्रचार के लिए इस तरह की योजना आप लेके आते हैं। आप झोंक रहे थे, राजीव गांधी जी का नाम आप लोग इस्तेमाल कर रहे थे, नेहरू जी का नाम आप इस्तेमाल कर रहे थे, इंदिरा जी का नाम कर रहे थे, और पैसे कमा रहे थे, गड़बड़ घोटाले कर रहे थे, उन योजनाओं में दम है,
उन योजनाओं और राफेल डील तो बहुत पारदर्शी सौदा है, उसमें तो एक रुपए का भी कोई घोटाला हुआ नहीं है। राफेल की डील बहुत पारदर्शी हुई है, बिल्कुल साफ सुथरी हुई है, उसमें कहीं कोई घोटाला नहीं है। बिल्कुल तीन गुनी कीमत पे आप हवाई जहाज खरीद रहे हैं, उसमें कोई घोटाला नहीं है। अटनी जी ने कहा भूल गए राष्ट्रवाद। अच्छा रिजवी साहब मुझे ये बता, तो इसको एंटी माइनॉरिटी टैग क्यों दे दिया जाता है, मैं ये समझना चाह रही हूँ। एंटी माइनॉरिटी किस तरह से, अगर ये जो नाम है वो महेश नगर, पिछलवा खुर्द, श्री निम्बर्ग तीर्थ, सांवलिया जी, ये जो नाम रखे गए हैं, ये एंटी माइनॉरिटी कैसे हैं, ये समझाइए जरा। नहीं, ये तो बहुत बेसलेस बात है कि इसको एंटी माइनॉरिटी कहा जाए। ये जो बात सच है, और हमको ऐसा लगता है कि अगर जितना ज़्यादा इसको एंटी माइनॉरिटी किया जाएगा, ख़ास तौर पे अभी रूलिंग डिस्पेंसेशन को, उसका उल्टा फ़ायदा होगा। इसलिए ऐसा कोई ना तो कॉन्टेक्स्ट होता है, ना इसका बेस होता है, लेकिन ख़ास तौर पे इसको सियासी रंग दिया जाता है ताकि और मोबिलाइजेशन हो सके। इसलिए इसको तो डिबेट का हिस्सा ही नहीं होना चाहिए कि ये इसका एंटी माइनॉरिटी, जैसे टोपी का डिबेट अभी उठा था तो उसको खामखा हवा दी जाती है ख़ास तौर पे, तो ऐसी बात तो है नहीं। हम ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक बात कहें कि देखिए, पॉलिटिकल गवर्नेंस में सिम्बॉलिज्म का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, सांकेतिक चीज़ें करने का। हमें इस बात पे लेकिन हर पॉलिटिकल पार्टी को ध्यान देना चाहिए कि आप सिंबलिज्म को इतनी ज़्यादा हवा या इतना ज़्यादा फुटेज आप नहीं दीजिए जाकर के कि आप सब्सटेंशियल प्रोग्रेस से काफ़ी दूर हो जाइए। इस गवर्नेंस ने पर्टिकुलरली रूल ऑफ सिंबलिज्म को इससे ज़्यादा हवा दी है। चलिए मैं एक क्लोजिंग कॉमेंट ले लूँगी क्योंकि मुझे उसके बाद डिस्कशन को वाइंड अप करना है। संदीप जी, ये काम बोलेगा या नाम बोलेगा 2019 में, जल्दी से? 2019 में काम बोलेगा। ये देखिए, 2014 से लेके जो आप देख रहे होंगे देश में परिवर्तन हुए हैं, इस तरह के बहुत सारे बातें की गई थी। विमुद्रीकरण के समय में भी किया गया था, GST के समय में भी किया गया था। डे वन से सारा कुछ चल रहा है, कभी इंटॉलरेंस का मामला आता है, कभी चर्च पे अटैक का मामला होता है, लेकिन आखिरकार इस देश के वोटर्स ने मोदी जी के ऊपर अपना विश्वास अभी तक भी बजाय रखा है और मोदी जी दिन रात एक करके काम कर रहे हैं और 2019 में भी उनका काम बोलेगा। ये लोग कुछ भी कहते रहे, ये अपने जो कमियां हैं उसको छुपाने के लिए मोदी जी को रोज गाली देते हैं, परंतु सत्य ये है और निरात सत्य ये है कि मोदी जी ने इस देश का जो अवस्था है, इस देश के जो जनमानस की जो सोच है, और विश्व पटल में भी इस देश को एक अलग नजरिए से देखने के लिए मजबूर किया है लोगों को। कुछ लोगों को ये अच्छा नहीं लग रहा है, जो लोग पिछले 70 साल से एक काबिज, एक परिवार से काबिज थे, उनको अच्छा नहीं लग रहा, परंतु 2019 में निश्चित तौर पे मोदी जी का काम बोलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने।